किस पद पे बैठे हुए हैं? प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए हैं। जवान कैसे फिसल गई? 250 रुपए किलो की मक्का बिक रहा है। मोदी मोदी कलाम कर रही है, मोदी ये कर रहा है दुनिया में, मोदी वो कर रहा है। पूरी मीडिया बिकी हुई है, मीडिया केवल इतना दिखा रहा है कि पाकिस्तान के सीमा इधर आ गई, सीमा इधर आ गई। कोई पत्रकार ये नहीं दिखा रहा 250 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। मणिपुर में दो बहनों को नंगा नचाया, उनसे पूछिए देश की संस्कृति ऐसे बचेगी इनकी। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, आजाद समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। क्यों आया जंतर मंतर पर? आज जंतर मंतर पे हम यहाँ पे भाई के समर्थन में आए, भाई के हाथ मजबूत करने आए। जो भाई भाई के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ था, उस हमले की CBI जांच की जाए। जो आरोपी पकड़े गए वो आरोपी हमें तो ऐसा लगता नहीं, वो आरोपी है। उनको देख के कोई नहीं बोल सकता ये आरोपी है, वो डबिंग है, नकली आरोपी लाए पकड़ के। इसलिए उनकी नार्को टेस्ट की जाइए और भाई को जेड प्लस सुरक्षा भी दी जाइए। और ये इसलिए होगा है कि पुलिस पे विश्वास नहीं आपको? नहीं, पुलिस प्रोटेक्शन पे भरोसा नहीं है। अतीक अहमद जैसे लोगों को, अतीक अहमद जैसे लोगों को पुलिस की सुरक्षा में उसकी हत्या कर दी जाती है, तो हम पुलिस पे कैसे विश्वास कर रहे हैं? आप बताइएगा, आप बताइए। तो अपराधी पकड़े गए ना, देखिए। अरे अपराधी पकड़े गए। अपराधी तो पकड़ा जाएगा, आज की कल पकड़ा जाएगा। सबसे बड़ी समस्या ये है, पुलिस के संरक्षण में उनकी हत्या कैसे हुई? जब वो पुलिस के संरक्षण में वो सुरक्षित नहीं थे, तो हम लोग कैसे सुरक्षित है? हम लोग तो आम आदमी। राम राज है यूपी में। अरे राम राज है, काहे का राम राज? राम राज ने तो पूरा देश खा लिया, राम राज ने तो पूरा देश खा लिया। गुंडों को मिट्टी में मिला देते हैं। गुंडों को कहां के मिट्टी में मिला दिया? कल मणिपुर में हमारी दो बहनों को नंगा नचाया, आप देख रहे, गुंडों को मिट्टी में मिला दिया। ये गुंडे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ नहीं, वो बेटी पढ़ाओ का नारा, बेटी बचाओ का नारा देते हैं आप। जवान पिछले, अरे कैसे पिघल गई जवान? ऐसे कैसे एक सम्मानित पद पे बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए हैं, जवान कैसे पिघल गई? जवान पिघल जाती है, आपके पद नहीं कमल रहा, आपकी जवान नहीं कमल रही है, तो आप पद छोड़ दीजिएगा। माननीय चंद्रशेखर जी को आप वो पद दे दीजिएगा। आज जवान क्या कभी उनकी नजर भी नहीं पिघलेगी? पूरी दुनिया सलाम कर रही है मोदी जी को। अरे वो लोग सलाम, वो आप लोग जैसे दिखा रहे हैं भाई साहब, आप लोग जैसे दिखा रहे हैं, पत्रकार लोग जैसे, पत्रकार लोग जैसे दिखा रहे हैं कि पूरी दुनिया सलाम कर रही है। गंगा बज रहा पूरी। अरे गंगा गंगा तो 250 रुपए किलो की मक्का बिक रहा है, इसका टंका आप नहीं दिखा रहे हैं? 250 रुपए किलो की मक्का बिक रहा है। मोदी कलाम कर रही है, मोदी ये कर रहा है दुनिया में, मोदी वो कर रहा है। 250 रुपए, गरीब आदमी बेचारा पहले चटनी से रोटी खा लेता था, अब वो बेचारा चटनी से भी रोटी नहीं खा पाएगा। आपको पता है 15 रुपए की 50 ग्राम हरी धनिया बिक रही है, 200 रुपए किलो की मक्का बिक रहा है। अब आदमी बताओ, आलू खरीदे के चटनी बिक के क्या खाए बेचारा? भूखा गरीब आदमी है, रोज कुआं खोद के लाता है, कभी कुआं नहीं खोदा, पानी नहीं निकला, वो बेचारा कहाँ से खाएगा? आप बताइएगा। राष्ट्रहित में काम हो रहा है। अरे राष्ट्रहित में आपको लग रहा है राष्ट्रहित में काम हो रहा है? नई संसद का निर्माण हुआ, राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, ये राष्ट्रहित कहाँ चला गया आपका? राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? नई संसद का आपने उद्घाटन करवाया, राष्ट्रपति को बुला लेते, मैं वही मान लेता कि हाँ चलो आपने राष्ट्रहित में एक काम कर लिया। आप तो मोदी जी के विरोधी हो। अरे हम कैसे मोदी जी के विरोधी हैं? हम कैसे मोदी जी के विरोधी हो? अरे वो तो बहुत सज्जन इंसान है, बहुत सज्जन इंसान है, विदेशों में जा रहे हैं। अभी तक जो हमारे जवानों पे अटैक हुआ था, उसकी अभी भी उन्होंने इंक्वायरी नहीं करवा पाई। कैसे सज्जन इंसान है, मंचों पे रो देते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं ये हूँ, फलाना हूँ। सज्जन इंसान है तो उनकी भी बहनें थी, उनके भी माँ थे, उनके भी बच्चे थे, आपने क्यों नहीं उनकी इंक्वायरी करवाई? 200 किलो RTF खा जाती है, फट जाती है, उसकी कोई इंक्वायरी नहीं। केवल एक समय अगर पत्रकार कोई दिखा रहा है, पूरी मीडिया बिकी हुई है, मीडिया केवल इतना दिखा रहा है कि पाकिस्तान के सीमा इधर आ गई, सीमा इधर आ गई। कोई पत्रकार ये नहीं दिखा रहा 250 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, 300 रुपए किलो धनिया बिक रहा है। जरूरी है क्यों नहीं जरूरी?
हो गई है। गरीब आदमी क्या नहीं खाएगा? मोदी जी खाएगा नहीं, क्यों नहीं खाएगा? क्यों नहीं खाएगा? क्यों नहीं? चलो ये तो खाने वाली चीज है, ये तो खाने वाली चीज है। एक मिनट, ये तो खाने वाली चीज है। एक दौर था साढ़े चार सौ का सिलेंडर बिक गया था। स्मृति ईरानी जी ने नंगा नाच कर दिया था। आज 1300 रुपए का सिलेंडर बिक रहा है, आज क्यों नहीं आ रही है? देश में तो विकास कर रहा है ना? अरे बहुत विकास कर रहा है, बहुत विकास कर रहा है, बहुत विकास कर रहा है। युवा बेचारे नौकरी के मारे भटक रहे हैं, खुदकुशी करने के लिए मतलब खुद काबू नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कहाँ से विकास? संस्कृति को बचा रहे हैं देखिए। हाँ बहुत बचा रहे हैं। वो आपको लग रहा है। मणिपुर में दो बहनों को नंगा नचाया, उनसे पूछिए देश की संस्कृति ऐसे बचेगी इनकी? सरकार कार्रवाई कर रही है। कैसी कार्रवाई कर रही है? रोज दिन प्रतिदिन माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। कहाँ कार्रवाई चली जाती है? कभी हमारी बहन मनीषा को आधी रात में जला दिया जाता है, उसकी कार्रवाई पता नहीं कहाँ चली जाती है। दो बहनों को नंगा नचा दिया, इसकी कार्रवाई पता नहीं कहाँ चली जाती है। इसी जंतर मंतर पे इसी पवित्र जगह पे हमारी बहनें अभी जो पहलवान बहनें थी वो उसका विरोध कर रही थी, कुलभूषण का, उनको न्याय नहीं मिला। तो आप कैसे बताइए, कैसे क्या हो रहा है? न्याय नहीं मिला उनको, उसमें कहाँ न्याय मिला? उन्होंने तो देश का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाया, उनको न्याय नहीं मिला, उनको सम्मान नहीं मिला, उल्टा उन्होंने मेडल गंगा जी में बांध दिया। 2024 की तैयारी है क्या बीमार में? अरे 2024 का मैदान में आए हैं तो तैयारी तो होगी, कोई ना कोई तो। हाँ जी, हम लोग खुद पावरफुल है, लोग हमारे साथ आएंगे, हम किसी के साथ जाने के लिए मोहताज नहीं है। पिछली बार तो 2 सीटों के लिए रो रहे थे। अरे मानवीय काकीराम का आपने कहा था कि पहला हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए, तीसरा जीतने के लिए। अभी हम लोग परीक्षा ले रहे हैं, अभी हम लोगों की परीक्षा चल रही है। तीसरा चुनाव जब आए तब आप हमसे बात करना। आपके साथी तो बीजेपी में जा रहे हैं, क्या वजह है? कौन सी साथी? कौन सी साथी? राजभर चले गए बीजेपी में। अरे तो वो तो अपनी अपनी मानसिकता है, वो चले गए तो वो उनकी बात है। उनका आरएलडी समर्थन क्यों आप लोग? हम लोगों के दिल मिल रहे हैं आपस में, तो आरएलडी समर्थन है, हम लोगों के दिल मिल रहे हैं भाई। अब आप जाओगे दुआ कलम हम आपके करेंगे, तो इसमें क्या खराब बात है क्या? अच्छा एक सवाल और लेना चाहूंगा। जी जी, कि अभी जैसा बताया जा रहा है दलितों के नेता हो तो बड़े नेता जैसे बहन मायावती रही, उन्होंने मौन क्यों थी इस पूरे प्रकरण पे? मौन वो चाहते हैं, वो ये नहीं चाहते हैं कि हमारे अलावा कोई बहुजन समाज में दूसरा नेता जन्मे। सबसे बड़ी दिक्कत बहन जी ने पूरे समाज को खा लिया, ऐसे समझिए। क्या वो उत्तराधिकारी माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को नहीं बना सकती थी? लेकिन अभी वो खुद ही प्लानिंग में, तो उत्तराधिकारी अगर उनकी उम्र हो गई है 70 साल की हो गई है, कब तक प्लानिंग करेंगी? अचानक कहीं खुदा ना करे अचानक कहीं वो लुढ़क जाए तो बताइए प्लानिंग कहाँ जाएगी? अच्छा ये सरकार क्या दलित विरोधी है? बिल्कुल दलित विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है। अच्छा एक सवाल, जैसे आपने बोला दलित विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है, तो ये दलित को राष्ट्रपति का उम्मीदवार क्यों बनाया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा? जी भारतीय जनता पार्टी द्वारा इनका प्रत्याशित एक दलित क्यों था? वो दिखावा है, वो दिखावा है, उनका वोट बटोरने का केवल ड्रामा है। अच्छा, बहुजन समाज का महागठ बन गया। जो विपक्षी नेता थे वो सारे के सारे लोग जा रहे हैं, अभी चिराग पासवान जी भी गए, ओम प्रकाश राजभर जी भी गए।